Rana Rajputana. Rana Rajputana. से इनको इनको सबक सिखाना है और ये लोग पद्मावती फिल्म को, जो कि संजय लीला बंसाली जी ने इतनी अमेजिंग फिल्म बनाई है, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बिना वजह के, पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए। और उनका कुछ दल है मेरे ख्याल से, उनको हाईलाइट करने के लिए वो लोग फिल्म इस पद्मावती फिल्म को टारगेट कर रहे हैं। दीपिका को, रणवीर को, संजय लीला बंसाली को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। और ये ना इंसाफी है, इतनी फिल्में बरानियों पे बनी है, राजाओं पर बनी है, मुगलाई पे बनी है, पहले भी मुगले आजम से लेके सबकी इश्क की कहानी आई है। बट आज की जनता, आज के कुछ दल वाले अपनी अपने दल के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए, इतनी चीप पब्लिसिटी स्टंट के लिए संजय लीला बंसाली जी की फिल्म को यूज कर रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे, बिकॉज किसी का बाप भी पद्मावती फिल्म को रोक नहीं सकता रिलीज होने के लिए। हम भी देखते हैं कि कौन रोक सकता है पद्मावती फिल्म को रिलीज होने के लिए। भाइयों और बहनों, मैं हूं राखी सावंत, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से सबको कहना चाहती हूं जय राजपुताना। मैं भी एक राजपुताना हूं, क्योंकि मेरे खून में भी एक राजपुताना का खून दौड़ रहा है, क्योंकि मेरी माँ राजकोट, गुजरात राजकोट से बिलोंग करती है। तो हम लोग रजवाड़े हैं, हम लोग जो मेरे दादाजी आरएसएस में थे, और मेरे पिताजी शिवाजी महाराज, शिव सैनिक वॉरियर, शिवाजी महाराज वॉरियर जिसे कहते हैं, शिव सैनिक उनमें थे। तो ब्राह्मण राजपूत थे वो, तो आप समझ सकते हैं कि डबल राजपूत का खून दौड़ रहा है मेरे अंदर। तो आप समझ, जितना खून आपका खौलता है उतना खून मेरा भी खौलता है। तो मैं भी माँ पद्मावती के खिलाफ कभी नहीं सुनना चाह रही हूँ, कभी नहीं, और ना माँ पद्मावती के खिलाफ सोच सकती हूँ, क्योंकि माँ पद्मावती ने जो बलिदान अपनी बिरादरी के लिए, इतिहास के लिए, अपने लोगों के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। मां सती हुई है, आप समझ रहे हो, मां पद्मावती की बहुत रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, इतनी इज्जत है, इतिहास हमने पढ़ा है, इतिहास हमने देखा है, कोई भी स्त्री इतनी इतनी पावरफुल नहीं थी। तो भाइयों, मैंने सिर्फ इतना कहा है आप लोगों को, क्या कहा है मैंने, कि एक बार फिल्म देखो, अगर फिल्म में कुछ गलत है तो ये राखी सावंत अपने राजपुताना भाइयों के साथ, किसी भी दल के साथ खड़ी होकर फिल्म के विरुद्ध जाएगी, समझ रहे हो। बट एक बार किसी के भड़काने से क्यों भड़क रहे हो आप, एक अंधा चल रहा है तो सारे अंधे क्यों हो रहे हो आप। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों और बहनों, तलवार उठाना आप भी जानते हो, तलवार उठाना हम भी जानते हैं, हमारे तो पुरखों ने तलवारें उठाई थी भाइयों। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान का लॉ कानून हाथ में लेकर कोई फायदा नहीं है। जय राजपुताना, राजपूत भाइयों, गुजरात के लोगों, राजस्थान के लोगों, मैं हूँ राखी सावंत, और मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि अगर कहीं पे भी मैंने आपका दिल दुखाया है तो अपनी छोटी बहन समझकर मुझे क्षमा करें। मैं पद्मावती फिल्म को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, दीपिका, शाहिद, रणवीर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, संजय जी मेरे अच्छे मित्र है। मुझे बिल्कुल भी सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं फ़िल्म को सपोर्ट करूंगी तो आप लोग को बुरा लगेगा। तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे सब क्षमा कर दें, और गलती इंसान से ही होती है। हूँ पण एक राजपुतानी छू, मारी माँ जे छे राजकोट थी छे, तो मारो कहीं वाक नथी, पण तोय मैं सपोर्ट कर्यो फिल्म ने,
એટલે તમને બધાને ખોટું લાગ્યું છે, તો ઇસીલિયે મેં આપ સબસે માફી ચાહતી હું કે મેં આપકી બહેન હું ઓર મેં માતા પદ્માવતી કી બહોત ઇજ્જત કરતી હું, ઉનકે જોહર કો કોઈ ભી ઇતિહાસ મેં ભુલા નહીં પાયેગા, ક્યુંકી ઉન્હોને બહોત બડા બલિદાન દિયા હૈ રાજપૂતો કે લિયે, હમારે લિયે દેવી હૈ, વો દેવી હૈ. હમ તો ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી કે લોગ હૈ, હમે નહીં પતા થા કે ફિલ્મ મેં ક્યા હૈ ક્યા નહીં હૈ, હમે નહીં પતા થા, બટ મેને સિર્ફ ફિલ્મ કો સપોર્ટ કિયા થા. મુજે નહીં પતા થા કે ઇતના બડા તમાશા, ઇતના બડા યે સબ હો જાયેગા, તો મેં આપ સબસે ક્ષમા માંગતી હું, અપની બહેન સમજ કર મુજે ક્ષમા કર દે. ભવિષ્ય મેં ઈશ્વર ને ચાહ તો મેં ગુજરાત ભી આઉંગી, રાજસ્થાન ભી આઉંગી, ઓર હમ મિલકે સબ કામ કરેંગે સાથ મેં, ઓર મેં આપકે સાથ હું હમેશા, ઓર બસ મેં યહી ચાહતી હું કે ભાઈઓ બહેનો આપ સબ શાંત હો જાય, ઓર મુજે નહીં પતા કે મેને સહી કિયા હૈ યા ગલત કિયા હૈ, બટ એક આર્ટિસ્ટ હોને કે નાતે મેને સિર્ફ સપોર્ટ કિયા થા. મેરી કિસી સે ભી કોઈ દુશ્મની નહીં હૈ, ના ઉનસે હૈ ના આપસે હૈ, આપ તો મેરે ફેન હૈ, આપ લોગો કી વજહ સે હી મેં આજ હું. મેં ધન્યવાદ કરતી હું આપ સબકા. રાણા રાજપૂતાના, રાણા રાજપૂતાના.